गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपिका खरे। वंस अगेन आई वेलकम यू इन माय चैनल एब्सोल्यूट मेंटर। आज मैं फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एब्सोल्यूट मेंटर में। और आज मैं क्लास 12th जनरल इंग्लिश का लेसन 1, जो कि एक पोएम है, वो पढ़ाने जा रही हूँ। ये एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है और ये उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, इससे उनको समझ में आएगा, क्योंकि जो अभी कंडीशन चल रही है कि पढ़ाई जो है बच्चों की ठीक से नहीं हो पा रही है, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, यहाँ सब वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे दी हुई है। पहले तो टीच मी टू लिसन लॉर्ड, फर्स्ट लेसन का नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, मुझे सुनना सिखाइए भगवान। क्या सुनना सिखाइए भगवान, ये मैं आपको बताऊंगी, जो कि पोएट ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। अवेयर जागरूक, होपलेस आशाहीन, एंगेज पीड़ा, बोर्डम उदासी, डाउट शंका, साइलेंस शांति, फार दूर, नियर पास, विस्पर फुसफुसाना, जब हम किसी से कान में या धीमी आवाज में बात करते हैं उसको फुसफुसाना कहते हैं, ऑप्रेस्ड उत्पीड़ित, प्ली दलील, डेडिकेशन निष्ठा। ओके, हेयर द पोएट सेड, सॉरी यहाँ पे पोएट कहता है, यहाँ कवि कहता है कि भगवान मुझे सुनना सिखाइए। किसको सुनना सिखाइए, जो मेरे पास हैं। कौन मेरे पास हैं, वो लोग जिन जो मेरे परिवार के हैं, जो मेरे पड़ोसी हैं, जो मेरे कोवर्कर्स हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, उनको सुनना सिखाइए। और कई बार क्या होता है कि हमारी फैमिली या हमारे साथ के लोग, हमारे फ्रेंड्स हमारी किसी बात पे नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो ऐसा ना हो कि हम उनको सुनना छोड़ दें। हमको उस वक्त भी उनको सुनना चाहिए, और भगवान मुझे ऐसा सुनना सिखाइए, ये पोएट पहले स्टैंजा में कह रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा जो है उसमें पोएट कहता है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड दोज हु आर फार फ्रॉम अस। फार फ्रॉम अस मतलब कौन है दूर, गरीब, सताए हुए, दुनिया से निकाले हुए, या किसी कारण से जिनको लोगों ने ठुकरा दिया है, ऐसे लोग जो पीड़ा में हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जो करा रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास रहने को नहीं है, जिनका दर्द बहुत है और हम उनको नहीं सुन रहे हैं, तो भगवान मुझे ऐसे लोगों को भी सुनना सिखाइए। थर्ड स्टैंजा में पोएट कहता है कि मुझे मेरे अंदर की अपने आत्मा की आवाज़ सुनना सिखाइए। किसकी, जब मैं बिज़ी हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शोर में हूँ, मैं बाज़ार में हूँ, मैं अकेले हूँ, कहीं पे भी हूँ, मुझे मेरे अंदर अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना सिखाइए। ये मैं थर्ड स्टैंजा में पोएट कह रहा है। और फोर्थ स्टैंजा में पोएट कहता है कि भगवान मुझे आपको सुनना सिखाइए। मैं कहीं भी हूँ, मैं आपकी आवाज़ सुन सकूँ। भगवान मैं कहीं भी रहूँ, आप जो कहते हैं, आप कहने का मतलब भगवान आके किसी से डायरेक्टली नहीं बोलते, हमारे अंदर एक आत्मा की आवाज़ होती है जो ये बताती है हमको कि हमको क्या चीज़ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, ये हमारे अंदर से आवाज़ आती है। तो जब हमारे अंदर से आवाज़ आती है तो जो गलत है उसको हम रोक दें और जो सही है हम उसको करें, ऐसा इस पोएम में पोएट बता रहा है। और कंसाइन इज़ द इनर वॉइस, इट मीन्स विवेक, हमारी जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है, विवेक होता है हमारा, वो अंतरात्मा की आवाज़ होती है और उसी से हम कोई भी काम सही या गलत ढंग से कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।